हित्वा श्रितास्ते चरणात पत्रम। परस्परम तद्गुणवादशील हो, पीयूष निर्यापित देह धर्मा, ये करदम जी ने कहा है। ये सारा संसार उन्होंने पशु बता दिया, ढोर खाना, पशुओं का, जानवरों का ये संसार है, ये सब जानवर है। हम जब जानवर में मतलब भेड़, जैसे एक भेड़ सब साथ ही चलेगी, यहां तक कि मरती भी साथ में है। रेलगाड़ी में कोसी में बहुत पहले घटना घटी थी, एक भेड़ कटी तो सब कटती चली गई, यानी आंख से देख रही है कि भेड़ कट रही है लेकिन उसी में सब बढ़ती चली गई। ऐसा ये संसार है, एक भेड़ गिरती है गड्ढे में तो सब गिरती चली जाती है। ऐसा ही हम सब हैं, इसीलिए पशु शब्द का प्रयोग किया गया। देख रहे हैं कि लोग मर मर के सब छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उसी भेड़ की तरह हैं कि जो एक साथ मरती जा रही है, हट नहीं रही है, इसीलिए पशु शब्द का प्रयोग किया। माँ को देखो, बाप को देखो, भाई को देखो, बहन को देखो, स्त्री को देखो, पति को देखो, सब पशु। इस पशुता से छूटने का कोई समर्थन नहीं करता। इन पशुओं को जो छोड़ेगा वही भगवान की चरण छाया में पहुंचेगा। लोकांश लोकात्मगतान पशुंश हित्वा, इन पशुओं को जिसने छोड़ा वही शतात पत्रम आपके चरणों की छाया में पहुंचेगा। यही बात यक्ष से युधिष्ठिर ने कहा था। जंगल में जब 12 साल जुआ में हारने के बाद पांडव जंगल में जब घूम रहे थे तो एक वहां पर विचित्र घटना घटी थी। जंगल में कष्ट तो होते ही है, इसीलिए तो इस दुर्योधन ने ये सब किया नाटक। रात को जंगल में रहे थे, माता कुंती को प्यास लगी। जंगल में तो पानी दूर दूर कहीं सरोवर है तो ठीक है, एक कुआ तो रहता नहीं। वन में रहना बड़ा कष्टप्रद रहता है। कोसों तक पानी का नाम नहीं, चले जाओ तो वो माता कुंती को प्यास लगी और उन्होंने बच्चों से कहा कि हमें प्यास लगी है, अब वहां कोई पानी का साधन नहीं था,
तो पेड़ पर चढ़ करके देखने लग गए कि कहां पर पानी मिलेगा। तो रात को जिधर से पक्षी आ रहे थे समझ गए कि इधर पानी है, पक्षी इधर से आ रहे हैं। और वहां पर वे बोले ठीक है, इधर सरोवर है, सबसे छोटे सहदेव नकुल सहदेव का जोड़ा था, बोले हम जा रहे हैं भैया, आप लोग मत जाओ। अर्जुन भीम युधिष्ठिर इनको रोक दिया। गए सहदेव जी, वहां एक सरोवर दूर पर बड़ा भारी विशाल सरोवर, बड़े प्रसन्न भए कि पानी मिल गया। जब वो पानी लेने के लिए आगे बढ़े तो आवाज आई, रुको, देखने लग गए आसपास कोई नहीं दिखाई पड़ा। फिर बड़े बोले रुको, तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो फिर पानी लेना, और नहीं तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ध्यान से देखा तो सरोवर के उस पार एक पेड़ के ऊपर आकाश में वो यक्ष खड़ा था, वो आवाज दे रहा था। उन्होंने कहा कि तुम हमारे प्रश्न को उत्तर दो, उसके बाद पानी ले जाना, ऐसे नहीं करोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। सहदेव ने कहा कि तो अपनी शक्ति का बल था, महारथी थे, बोले हमको कौन मारेगा, इसको तो हम ही खत्म कर देंगे यक्ष को। तो मैं तो लूंगा, तेरा सरोवर है। जैसे पानी लेने के लिए बढ़े आए, छुआ, वैसे वो मर गए, शरीर उनका गिर पड़ा वहीं किनारे और प्राणहीन हो गए। कुछ देर इंतजार करने के बाद युधिष्ठिर ने कहा कि सहदेव नहीं आया। नकुल बोले हम पता लगाते हैं, वो भी गए वहां पर उस सरोवर के किनारे, देखा सहदेव मरे पड़े थे। उन्होंने सोचा कि पानी तो पहले माता जी को पिला दें, जैसे चले तो फिर आवाज आई, रुको, हमारे प्रश्नों का उत्तर देकर देने के बाद तुम पानी लेना, नहीं तो जैसे सहदेव मरा है तुम भी मर जाओगे। नकुल ने सोचा कि इसने धोखे से कुछ वार किया होगा, हम तैयार हैं, हमको कैसे मारेगा, महारथी थे। बोले मैं तो लेता हूं। बोले मान जाओ, लेकिन वो नहीं माने, पानी लिया वही गिर के मर गए। बड़ी देर इंतजार करने के बाद युधिष्ठिर ने कहा कि दोनों भाई नहीं लौटे, कोई चक्कर है भाई। अर्जुन ने कहा मैं जाता हूं, जानते थे अर्जुन ने शंकर से भी युद्ध किया है, इंद्र भी इनको नहीं जीत सकते। अर्जुन गए तो उन्होंने देखा कि दोनों भाई मरे पड़े हैं। अरे ये क्या हुआ, ये कौन मार गया इनको, ये तो महारथी थे हमारे भाई लोग, कोई निशान नहीं हथियार का, लड़ने का निशान नहीं, ये क्या हो गया।
खैर चले माताजी को पहले पानी पिला दें। जैसे चले तो आवाज आई, रुको। देखा उन्होंने, तुम कौन हो? मैं यक्ष हूं। अर्जुन हंस गए, एक यक्ष हमको चुनौती दे रहा है। मैं इंद्र को जीत सकता हूं, देवताओं को जीत सकता हूं। मैंने शंकर जी से भी किया, बोले क्या है? बोले हमारे प्रश्नों को उत्तर दे दो फिर पानी लेना, नहीं तो जैसे ये दोनों मरे तुम भी मर जाओगे। अर्जुन हंस गए, बोले ये हमको समझता नहीं मैं कौन हूं। अच्छा मैं ले रहा हूं पानी, मान जाओ नहीं माने, पानी छुआ और मर गए, गिर पड़े भी। काफी देर हो गई तो दृष्टि ने कहा अर्जुन नहीं लौटा तो कोई चक्कर है। भीम बोले मैं जाता हूं, चले गदा लेकर के, आवेश में गए। तो वैसे ही आवेशी आदमी थे, गुस्सेला। वहां देखा तो देखा तीन भाई उनके मरे पड़े हैं, तो गुस्से में भर गए, सोचने लग गए किसने मारा गदा लेकर के। तब तक आवाज आई, रुको। समझ गए कि यही चक्कर है। ये कौन है तू? बोले यक्ष हूं। वहां से क्यों बोलता है हमारे सामने आ? बोले मैं तुम्हारे सामने ही हूं भीम, हमारे प्रश्न को उत्तर दे दो ना, तुम भी इसी तरह से मर जाओगे। बोले अरे मैं तुझे मार के मरूंगा, यहां सामने आ। लेकिन वो मैं पानी लेता हूं, अब तू सामने आ देख क्या करता हूं। वो पानी लिया, वो भी मर गए, द्राक्ष गिर पड़े। अब बहुत देर हो गई, दृष्टि सोचे लग गए कोई बात अवश्य है, अर्जुन जिसके सामने देवता नहीं खड़े हो सकते। गए तो दूर से देखा तो चार भाई मरे पड़े। विचार करने लग गए कि कोई युद्ध तो हुआ नहीं है, न कोई अस्त्र की चोट है, जाने कैसे मर गए। चलो माताजी को पानी पिला दे। जैसे चले तो आवाज आई, रुको। बोले क्या है? मेरे प्रश्नों को उत्तर दे दो फिर पानी लेना, नहीं तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। उनमें अहम नहीं था, वो धर्मराज थे। उन्होंने कहा इसमें क्या हानि है, किसी के प्रश्न उत्तर दे देते हैं, इसमें क्या हार जीत। बोले क्या प्रश्न है तुम बोलो। तो उसने पूछा यक्ष ने कि इस संसार में आश्चर्य क्या है। ठीक, बोले सुनो, आहानि आहानि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषास्थातुम इच्छन्ति किम आश्चर्यमतः परम। रोज हम लोग देखते हैं आज वो मर गया, आज वो मर गया, आज वो मर गई, देखते हैं। घर में भी कोई बाप मर गया, कोई माँ मर गई, चाचा मर गया, ताऊ मर गए, हर घर में आदमी मौत देखता है। ऐसा कोई दिन नहीं है जब मनुष्य सब न देखता हो न सुनता हो। आहानि आहानि भूतानि, आहानि माने प्रतिदिन। गच्छन्ति यम मंदिरम, यम मंदिरम माने जमराज के यहां जा रहा है, रास्ते चल रहे देख रहे कुत्ता मर गया,
कोई आदमी एक्सीडेंट मर गया, गाड़ी लड़ गई, कितने मर गए, फलाना वो सब, रोज कोई ना कोई जा रहा है, सब मर रहे हैं। ऐसा कोई भी दिन नहीं है। इसको देखने के बाद भी शेष माने हम लोग स्थातुम रुकना चाहते हैं, मकान बनाते हैं, बेटा का ब्याह, बेटी के ब्याह, अब ये करो वो करो, तो रुकना चाहते हैं। किम आश्चर्य, इससे ज्यादा आश्चर्य क्या है कि अभी थोड़ी देर में जाने वाला है, तू अपने जाने की नहीं सोचता है, बेटा की सोचता है, बेटी की सोचता है, बोले इससे ज्यादा आश्चर्य क्या है। इसको भेड़िया दशान कहते हैं, एक भेड़ कट रही है तो दूसरी देख करके हट नहीं रही है। इसीलिए सब संसार पशु है। भगवान की शरण में कोई नहीं जा पाता, क्योंकि जितने भी सिखाने आते हैं, ज्ञान देने आते हैं, कोई चाचा आए, कोई ताऊ आए, कोई फलाने आए, ये सब पशु हैं। ये पशु के अलावा ये कुछ जानते नहीं बेचारे, केवल पशु हैं भेड़, और ज्ञान देने के लिए चले आते हैं सब। लोकांश हमें इसलिए अनुभव है कि हम जब यहां नए नए घर से आए थे तो ज्यादातर लोग ज्ञान देते थे हमको, अरे तेरी माँ है, अकेली छोड़ के आया है, वो नरक तू जाएगा, तेरा भजन कुछ नहीं फलेगा, मरेगा तू, ये होगा, माँ दुख पाएगी, श्राप देगी, तू नरक को जाएगा, तेरा भजन नहीं फलेगा, ऐसी ऐसी बातें कि जिसको सुन करके आदमी घबरा जाए। हाँ जरूर हमारी माँ रोएगी तो हमारा भजन नष्ट हो जाएगा, तो वो बहुत समझाते थे लोग हमको। फिर हम एक ही बात कहते थे कि नरक में जाएंगे क्या, नरक में तो पड़े ही हैं, तुम सोचते हो कि हम नरक से छूट गए हैं, नरक में जाएंगे क्या, नरक से छूटना चाहते हैं और तुम छूटने नहीं देते हो, कहते हो इसी नरक में पड़े रहो, कहते हो नरक में जाएंगे, नरक में जाएंगे क्या, ये सब संसार नरक है। तो शेषांश था तुम इच्छन्ति, हम लोग देख करके कि वो मर गया, वो मर गया है, और फिर यहाँ रुकना चाहते हैं, ये बड़े आश्चर्य की बात है, इससे ज्यादा आश्चर्य कुछ नहीं है। ज्ञान ही नहीं होता है कि थोड़ी देर में जाने वाले हैं, बस जाने वाले हैं। परीक्षित को जब पता पड़ गया कि हम 7 दिन में चले जाएंगे तो सब छोड़ दिया। ऐसे अच्छे लड़के थे उनके 4 महाप्रतापी, जिन्होंने यज्ञ किया, सर्प यज्ञ और जाने क्या क्या, ऐसे दिव्य लड़कों को स्त्री फिस्ती सब छोड़ के गंगा किनारे बैठ गए। कुछ नहीं सोचा कि भाई राज्य का क्या होगा, इतना बड़ा राज्य है और हम छोड़ के जा रहे हैं, कोई मीटिंग वीटिंग भी नहीं किया कि किसी को गद्दी दे दें, कुछ इंतजाम कर दें, मंत्रियों की मीटिंग कॉल कर लें, बोले कुछ नहीं। जब उन्होंने सुना कि तक्षक आएगा तो उनका ससाधु मैंने बड़ा अच्छा मान लिया। उन्होंने पहले स्कंद में 18वें अध्याय में 19वें अध्याय में आखिरी अध्याय में
उन्होंने कहा ये तो बड़ा अच्छा रहा, ससाधु मेरे हैं चार 19 का 4 हमारी आसक्ति छूट गई नहीं, कभी नहीं छूटती, आदमी मर जाता है आसक्ति नहीं छूटती, किसी तरह से आसक्ति छूटी, मर जाओ जल जाओ फूक जाओ आसक्ति नहीं छूटती। ससाधु मैंने साधु मैंने अच्छा माना इसको, नचरेण तक्षा का न तक्षक का जो आग है जहर, ये प्रसक्त में आसक्त था मेरी विरक्ति का कारण बन गया, नहीं कहीं छूटता ऐसे इसी में मर जाते हूं, 7 दिन और चले जाते हैं इसे, जिंदगी इतनी थी, ऋषि के शाप से पता तो पड़ गया हमको 7 दिन में हम जाने वाले हैं। आदमी सोचता है अब ये कर ले वो कर ले ये कर ले, बेटे को ब्याह कर ले, बेटी का भंवर पाड़ दें, ये कर दें वो कर दें, उसी में मर जाता है। तो चक्रवर्ती राजा थे, उन्होंने जरा भी इंतजाम नहीं सोचा राज्य का कि हमारे बाद क्या होगा, कि किसी को युवराज बना दें, किसी की मीटिंग कर दें, इसको बैराग कहते हैं। और तुरंत गंगा जी किनारे बैठ गए। तमोपयातम प्रतियंतु विप्रा, वही श्लोक है आसपास 15। मीटिंग वीटिंग कुछ नहीं किया, ये भी नहीं सोचा राज का क्या होगा, लड़कों का क्या होगा, कुछ तो बंटवारा अटवारा कर चले, कुछ नहीं। बोले अब हम सब भूल गए कहां राज्य कहां बेटा कहां बेटी, अब तो केवल भगवान का चरित्र गाओ। तमोपयातम, मोपयातम माने अब अनशन करके बैठ गए, पानी भी नहीं पियेंगे इस संसार का, रोटी दाल तो दूसरी बात है। विप्रा माने ब्राह्मण भक्त संत लोगों को बुलाओ, अभी नहीं कि राजाओं को बुलाओ, मीटिंग वीटिंग होगी, मंत्री मंत्री को बुलाओ, ये सब नहीं, ये तो बहुत हो चुका है संसारी काम। राज रहे चाहे चला जाए, अब हम ही जाने वाले हैं तो फिर क्या होता है। तमोपयातम प्रत्यंत विप्रा, गंगा च देवी, गंगा जी को आने दो, धृत चित्त मीशे, मैंने ईश्वर में भगवान में अपना चित्त लगा रखा है। और रोको नहीं तक्षक को आने दो, द्विजोपसृष्ट ब्राह्मण के द्वारा शाप से भेजा हुआ तक्षक, दशतु काटने दो उसको, आने दो, हमें डर नहीं है, गायत विष्णु गाथा, अब केवल भगवान की कथा कहो बस, और सब बंद कर लो, यहां क्या राज्य है कहां बेटा है कौन बेटी है सब बात बंद, गायत विष्णु गाथा, केवल भगवान की गाथा माने वार्ता करो, और कोई बात हमारे पास अब नहीं आनी। इसको कहते हैं जागृति, कि अब जीव जाग गया। जानिय तबही जीव यह जागा, अभी जब आदमी जो जाग जाता है उसका लक्षण होता है, उसका ये लक्षण नहीं है कि अब ये आप कल करेंगे और परसों करेंगे, बोले ये सब नहीं, ये बात
हाँ अयोध्या कांड में 122 दोनों में बात भई है। और हाँ 122 तो गड़बड़ है, इन्होंने कहा तो हमने कहा ठीक है। लक्ष्मण की और निषाद राज की बात वही है, तो वहां पर उन्होंने कहा है क्या 93 है, 7 भी नहीं है, ठीक है। हाँ नाइन्टी सेव थ्री भी क्यों, 92 में देखो लक्ष्मण जी ने कहा है, बोले लखन मधुर मृदु बानी, 92 92 ज्ञान विराग भक्ति रसानी, ज्ञान भक्ति सबका सार है। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग संभ्राता। कोई दूसरे पर क्रोध मत करो, अपने कर्म ही फल देते हैं। अब ये सारा संसार क्या है, मोह। मोह में क्या आता है, जोग मन मिलना, स्त्री मिल गई, बेटा मिल गया, बेटी मिल गई, पैसा मिल गया, वियोग, ये जोग भी मोह है। स्त्री मिल गई खुश हो गए, बेटा मिल गया खुश हो गए, वियोग, स्त्री मर गई रोने लग गए, ये भी मोह है, ये सब मोह है। एक बेचारे हमारे प्रेमी थे, बहुत पुरानी बात है, कुंड पर हम गहवरपन में बैठे थे, अच्छे भक्त थे, परिक्रमा रोज करते, सत्संग करते। एक दिन वो अकेले कुंड में बैठे उदास थे, तो हम गए, हमने कहा पंडित जी उदास क्यों हो, तो हमसे बोले, बूढ़े थे, कि बाबा अपने मन की हम व्यथा किसी से कह नहीं सकते। हमने कहा तो कहने वाली बात नहीं तो मत कहो। बोले ने आपसे कह देंगे आप साधु हो, संसार में नहीं कह सकते। बोले क्या, वो उनकी जो अर्धांगनी बुढ़िया थी मर गई थी, तो बोले बुढ़िया मर गई है उसका हमको दुख है, लेकिन हम किसी से बेटा बहू किसी से घर में भी नहीं कह सकते, क्यों संसार हंसेगा। दुख इस बात का नहीं, भोग के लायक तो हमारा शरीर ही नहीं है, लेकिन वही रोटी अब भी खा रहे हैं, बेटा बहू दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि रोटी प्रेम से दे रहे हैं, लेकिन वो जो खिलाती थी वो प्रेम नहीं है। तो जब रोटी खाए जाऊं तो कह तो पाऊं नहीं, कहा उसे बस खा के चलो आऊं, लेकिन हृदय में दुख रहे। जैसे प्यार से खिलाती थी वो प्यार अब नहीं रहा। ये तुम साधु हो हम तुमसे बता रहे हैं, घर में तो कह नहीं सकते। घर में तो भाई चलो चोखर हो मर गई बेचारी, फांस कट गई, ऐसी बात बोलना पड़े, लेकिन हृदय में हमारे पीड़ा है। तो हमको उस समय ये सब बातें चुभ जाती थी कि देखो ये आदमी मरने के किनारे आ गया है, और प्राणी चला भी गया मर भी गया,
लेकिन उसकी ममता नहीं गई। इसलिए गोसाई जी ने लिखा है, ममता तू न गई मेरे मन ते। ये ममता नहीं जाती है, जाने वाला चला गया लेकिन अपनी याद छोड़ गया। और ममता मनुष्य की मरते समय तक नहीं जाती, मरने के बाद भी नहीं जाती। ये एक आश्चर्य की बात है। बड़ा सुंदर पद है, पाके केस जन्म के साथी। बाल सफेद हो गए माने कि जैसे गाड़ी आती है ना झंडी, हरी बत्ती हो गई तो वह गाड़ी आने वाली है, तो वैसे मृत्यु के सब चिन्ह है, बाल पक गए, आँख से कम दिखता है, ये झंडियाँ आती हैं भगवान की ओर से कि अब गाड़ी आने वाली है मौत की, अब लाइन पर तुमसे हट जाओ, मारे जाओगे, मृत्यु की ट्रेन आ रही है, यानी भगवान की शरण में चले जाओ। लेकिन बाल सफेद हो गए, हो जाने दो, ममता नहीं जाएगी। पाके केश जन्म के साथी, जन्म के साथी काले काले बाल थे, वो साथ छोड़ गए, मर गए, सफेद हो गए, लेकिन ममता नहीं गई। लाज गई नैनन ते, शर्म भी चली गई है, बुढ़ा हो गया लेकिन चित्रहार देखता है, स्त्रियां निकलती हैं तो देखता रहता है। और इस तरह से तन था क्यों कर कांपन लाग्यो, शरीर कांपता है, चलने फिरने में लठिया लेके चलता है, ममता नहीं जा रही है। हाथ पांव तो चले गए जीते जी, तन था क्यों कर कांपन लाग्यो, ज्योति गई नैनन ते, आंख की ज्योति कम हो गई है, ममता नहीं गई। सर्वस बचन सुनत काहू के, कान से भी कम सुनाई पड़ता है बुढ़ापे में, लेकिन ममता नहीं गई। बल गयो सब इंद्रिन ते, सारी इंद्रियां दसों इंद्रियां, हाथ पांव न चल पाता है, न बोझ उठा हाथ से उठा पाता है, न उठ बैठता है, न बैठ पाता है, भोगों की खिंचा क्या चलाई, उठना बैठना मुश्किल है। बल गयो सब इंद्रियों से, लेकिन ममता तू न गई मेरे मन से, मेरा बेटा मेरी बेटी मेरा पैसा मेरा जमीन, टूटे दसन बचन नहीं आवत, दांतों टूट गए हैं, शोभा गई मुखन ते, कितनो क्रीम पाउडर लगा लो बुढ़ापे में शोभा चली गई, लेकिन ममता तू न गई मेरे मन से। और हाथ होते होते मरण शैया पर आ गया, पित्त बात कफ कंठ पे बैठे, तीनों गले में आके बैठ गए अंतिम समय सन्निपात, जवान बंद हो गई है, लेकिन सुतही बुलावत करते, हाथ हिला के बुलाता है बेटा को, जवान बंद है लेकिन ममता नहीं, ममता चालू है, एक्शन कर रही है। सुतही बुलावत, आखिर मर गया,
तो जरम परम प्यारे भाई बंधु सब परम प्यारे नारी निकारति घरते। अब वही भाई वही बेटा वही स्त्री ले जाओ जल्दी भाई फूंक दो, लेकिन ममता नहीं मिली। मर गया भूत बन गया जैसे शशि मंडल ते स्याही, जैसे चंद्रमा के अंदर काला धब्बा आज तक नहीं मिटा, वैसे मर के एक जाने किस लोक में गया तो चंद्रमा के धब्बे की तरह वहां भी ममता बना रहा, मरने के बाद भी ममता नहीं गई। जैसे शशि मंडल ते स्याही छुटे न कोटि जतन ते, नहीं गई। तुलसीदास बलि जाऊं चरण के लोभ पराए धन ते। मर गया भूत बन करके सर्प बन करके गड़े पैसा पे जाके बैठ गया, लेकिन ममता नहीं गई। यही बात कह रहे हैं लक्ष्मण जी, जैसे योग मोह है वैसे वियोग भी मोह है, भोग भी मोह है। स्त्री के पास जाता है बड़ा खुश होता है भोग के, थोड़ी देर में शक्तिहीन हो जाएगा। भल मंदा भले बुरे लोग ये सब मोह है, न कोई भला है न बुरा है, हित अनहित शत्रु मित्र ये सब मोह है, मध्यम उदासीन ये सब भ्रम है। अरे कौन शत्रु कौन मित्र, भगवान का भजन करो, भगवान की शरण में जाओ। जन्म मरम जहां लगी जग जालू, जन्म होना भी मोह है मरना भी मोह है, सारा संसार का जग जाल मोह है। संपत्ति पैसा आ गया भी मोह है, विपत्ति पैसा चला गया वो भी मोह है, कर्म काल और क्या धरनी जमीन हमारी है साहब, अरे तुम्हारी तुम्हारे बाप भी नहीं, तुम्हारे बाप मर गया तुम्हारी काय को जमीन, धाम हमारी बिल्डिंग है, बोले इसमें मोह करोगे तो मोह के बाद आदमी मर के उसी में चूहा बनता है या छिपकली बन के रहता है या भूत बन के रहता है, जिस मकान को बनाता है उसी में कीड़े बन के रहता है, क्यों मोह नहीं हटा था। ये लक्ष्मण जी कह रहे हैं धरनी धाम, धाम माने मकान, धन पूर्व परिवार, कहां तक बताएं ये सब मोह है। आखिर में 92 के नीचे 93 लिखते हैं मोह निशा सब सोवन, हर आदमी सो रहा है। जागा कौन जिसका विषय छूट गया, विषय माने खाली स्त्री नहीं कि स्त्री छोड़ के आए हम सब बाबाजी बन गए, ये मान सम्मान सब विषय शरीर इंद्री, यूं लड्डू के पीछे मरे फिकर घूमते रहते हैं पैसा के पीछे, जागे कहाँ हैं। जब सब विषय विलास, जब मोह चला जाता है होई विवेक मोह ब्रह्मभागा, तब भगवान में प्रेम होगा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। ऐसे थोड़ी प्रेम हो जाएगा, मोह के रहते प्रेम नहीं होता। लोग आते हैं महाराज वह अजीब नाटक है, कल बहुत से लोग आए थे बेचारे जाने कहा के उड़ीसा के कहीं के रहे होंगे, हाँ कहीं गए थे, बोले हमारे सिर पर हाथ धर दीजिए,
हमने किसी बोले आपके आशीर्वाद से भगवान का प्रेम मिल जाए। हमने कहा तो हाथ का हम खुद ही बैठ जाए, कहो तुम्हारे ऊपर ही, अगर हाथ धरने से काम तुम्हारे ऊपर ही बैठ जाए, नहीं इससे क्या प्रेम होगा। प्रेम तो होता है जब मोह चला जाता है। होई विवेक मोह ब्रह्म भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। अब मोह तो तुम्हारा बढ़ रहा है, हम हाथ वाथ धर दिया हाथ, बोले हाथ धर दीजिए, हम तो हाथ धर देते हैं। लो भाई ऐसा नहीं कि जो हम चाहते हैं हमारा मोह चला जाए तुम्हारा चला जाए, हम तो सबको चाहते हैं, लेकिन अभी हमारा ही मोह नहीं गया। हाथ धरने से क्या होता है? साफ बात है, साधु हो ग्रस्त हो, बूढ़ा हो जवान हो बच्चा हो, जब तक मोह है तब तक भगवान में प्रेम पैदा नहीं होगा। हम दूसरे को उपदेश देते हैं लेकिन खुद मोह में, दूसरे को डांटते हैं भगवान में प्रेम करो, और तुम्हारा होगा क्या? एक बार की बात है, यद्यप समय हो रहा है, चलो हम जब से आए ब्रज में 1958 हो गए, शुरू में आए थे तो एक बार यहाँ एक महात्मा थे, जैसे जैसे आए थे वो अलवर के और जयपुर के थे, अभी उनके लड़के हैं वहाँ, उनका मकान वकान जयपुर में है, आते हैं राधा अष्टमी पर। इसी बार कोई नहीं मिला जाने के, हर बार आते थे, तो उनके लड़के का मकान बना था जयपुर में नया, बोले आपके चरण पड़ जाने चाहिए। जब तक हम आए आए थे वो आखिरी ट्रिप था, हमने कहा चलो, उनके लड़के ऑफिसर थे उस समय, गए जयपुर, बोलना बचपन से अभ्यास था, तो उस समय के कोई मिनिस्टर थे उनके घर में प्रोग्राम था जयपुर में, तो वहाँ भाषण वाषण हुआ, फिर अलवर ले गए। अलवर में एक दिन में 30-33 जगह प्रोग्राम हुआ, इतना हमको याद है। वो प्रभावशाली आदमी थे, गाड़ी पर बैठ करके यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ, ऐसा हमने आज तक कभी नहीं, व्यस्त कार्यक्रम। रात को एक की कोठी पर प्रोग्राम था, तो हम भाषण दे बैठे, बहुत लोग थे, हॉल भरा हुआ, और हमने कहा जब कोई भी आदमी प्रश्न करे तो कर ले, तो 1, 2, 3, 4 और करो और करो, 13 प्रश्न आए। उस समय कुछ बुद्धि तेज थी, हमने सब उत्तर देना शुरू किया। हमने कहा पहला प्रश्न ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था, चौथा ये था, पांचवा। एक प्रश्न था ईश्वर प्राप्ति कैसे हो, इसका हम उत्तर पीछे देंगे। सब जब हो गए तो आखिर में जब हम बोलने बैठे तो कोई भगवान की दया थी, हमारा मन घबराया कि तुम ईश्वर प्राप्ति पर भाषण कर रहे हो, क्या तुमको ईश्वर प्राप्ति हो गई? तो मन बोला कि ईश्वर प्राप्ति तो नहीं हुई, तो तुमको क्या हक है बोलने का? खैर हमने लीपा पोती कर दिया, भाषण करने वाला कुछ न कुछ करीब बोलता ही है, लेकिन वो मन में असंतोष था। रात को 2 बज गए, उनका सो ये महाराज उनके ड्राइंग रूम में बढ़िया बेड बेड था, सोए। उसके बाद कुछ ऐसी घटना घटी जो उस घटना से हमारा मन घबरा गया, और 1 घंटे लेटने के बाद हम निकाय उनकी गाड़ी थी, हमने सुनो भाई
बोले महाराज आप क्या सोए नहीं क्या, हमको तुम्हारी गाड़ी चाहिए। बोले अभी तो आप एक घंटा आराम कर लीजिए, फिर शरीर क्रिया कीजिए, फिर 8 बजे प्रोग्राम है, अभी से गाड़ी नहीं। हमने कहा हम ब्रज जाएंगे। अरे आपके तो आज बहुत प्रोग्राम है, हमारे साथ एक और महात्मा तू बिगड़ गए। बोले ऐसा क्या, दिमाग तुम्हारा खराब हो गया। हमने कहा तुम गाड़ी अगर नहीं दोगे तो हम पैदल चले जाएंगे। वो भी घबरा गए, क्या पागलपन आ गया। कुछ घटना भी ऐसी घटी थी, वो एक तो हमको धक्का ही था वो लेक्चर में, और दूसरे कुछ तो उनका हम ऐसा कैसे आपको पैदल जाने देंगे। हमने कहा नहीं, तुम गाड़ी हमको ब्रज तक दे दो, अलवर से रास्ता आता है ढीक, ढीक में हम तुम्हारी गाड़ी छोड़ देंगे। हमारा मन ब्रज के लिए घबरा रहा है। खैर उनकी गाड़ी वाड़ी आई यहाँ छोड़ गई, तो हम इस बात पर कह रहे हैं कि जब हमारा मोह चला जाएगा तब तुम्हारा जाएगा। हम खुद मोह ग्रसित हैं तो तुम्हारे मोह को क्या दूर कर पाएंगे। ये बात निश्चित है, इसीलिए हमने ये बात कही कि ठीक है इतना याद है। हो तू होई विवेक मोह भ्रम भागा 93 में, मोह का जब भ्रम भाग जाएगा तब भगवान में अनुराग होगा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। अभी तो सवेरे से हम लड्डू की सोचते हैं, पेड़ा की सोचते हैं, कभी कलाकंद की सोचते हैं, कहीं का पापड़ की सोचते हैं, कहीं कुछ, सब मोह है। भगवान में प्रेम कैसे हो जाएगा। भोगों की याद आती है, सब मोह है। हाथ वाथ धरने से क्या होता है, ठीक है हाथ धर दिया उसका भाव है, लेकिन भाव वाले को कुछ फायदा होता होगा। हम ये नहीं कहते कि उसने गलत किया, और लेकिन हमारी समस्या हमारे साथ है। हमारा पहले मोह दूर हो जाएगा तब तुम्हारा होगा। होई विवेक मोह भ्रम भागा तब रघुनाथ चरण अनुराग। अभी तो हमारे में मोह है, लाओ पैसा लाओ, ये लाओ वो लाओ, लड्डू लाओ पेड़ा लाओ भोग लाओ। जब ऐसा संग मिलता है भगवान की कृपा से, विशुद्ध संग, तब मोह की मात्रा घटती है, धीरे धीरे घटती है, एकदम तो नहीं घटती। भगवान ने गीता में कहा है, कोई कहता है एकदम घट गया हमारे घर से छोड़ने आते मान हम सिद्ध हो गए, बोले गलत है। 6वें अध्याय में भगवान ने 25वें श्लोक में कहा है, शनै शनै उपरमेद, धीरे धीरे उपराम होगा, मान एक दिन में नहीं होगा, एक दिन में सिद्ध बन गए। शनै शनै उपरेत बुद्धिया धृति गृहतया, एक दिन में कैसे हो जाएगा। लेकिन मोह के बाद, त्याग के भ्रम, मोह भ्रम के बाद ही मनुष्य का भगवान में प्रेम होगा। उसके बहने इतने भाषण भाषण ही सब मोह है। होई विवेक मोह भ्रम भागा
तब रघुनाथ चरण अनुरागा। ये सब मोह है। मोह के बाद फिर आश्रय भगवान का। ये सब हम लोग आश्रय किए बैठे हैं, शरीर का, इंद्रियों का, लड्डू पेड़ा, पैसा धेला, ये सब चीजें भगवान के आश्रय से अलग करती हैं। हम धोखे में हैं, अन्याश्रय करते हैं और सोचते हैं भगवान का आश्रय। चलो